महामारी के समय में ब्लड बैंकों में हो रही है रक्तदान की कमी। यंग ब्लड सेवा टीम द्वारा संगम ब्लड बैंक में लगाया गया रक्तदान कैंप। जहां जिला फतेहाबाद टोहाना में लॉकडाउन के दिनों में रक्तदान की कमी को देखते हुए यंग ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर 65 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था प्रचार। जहां कोरोना वायरस महामारी के समय में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो गई है, जिसके चलते युवकों की संस्था यंग ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट की द्वारा संगम ब्लड बैंक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 65 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर रक्त की कमी को दूर किया। संगम ब्लड बैंक द्वारा रक्त थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को फ्री दिया जाता है। यंग ब्लड संस्था के कुलदीप सैनी ने कहा कि रक्तदान की पूर्ति सिर्फ इंसान के रक्त से ही होती है, इसका कोई और संसाधन नहीं है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति की जान को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव सेवा संगम संस्था में रक्त की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संगम ब्लड बैंक से सतपाल ननहेड़ी ने कहा कि संगम ब्लड बैंक में जब भी रक्त की कमी होती है, यंग ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा इस कमी को शिविर के माध्यम से पूरा किया जाता है और आज के समय में इस टीम के माध्यम से ही लोगों में रक्तदान की प्रति रुचि बढ़ी है और महिलाएं व पुरुष बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। ब्लड चैरिटेबल ट्रस्ट समय समय पर उपलब्ध ब्लड करवाती रहती है, जहां भी जरूरत पड़ती है, जहां सरकारी हॉस्पिटल में लगा लो या अन्य और भी जगह लगा लो तो जरूरत पड़ती है, तो हमारी संस्था हमेशा रात और दिन तैयार रहती है। तो इसके लिए हमने मतलब कि सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट डालते हैं और साथ के साथ डोनर तैयार हो जाते हैं। अब संगम ब्लड बैंक में रक्तदान की कुछ दिनों से कमी थी, तो इस पूर्ति के लिए हमने रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान कोरोना में महाबीमारी से मतलब कोई इतने बाहर निकल नहीं पाते हैं कि इसके कारण ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो उसकी पूर्ति के लिए कैंप लगाया गया है और पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कैंप का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, हमारी संस्था हमेशा तैयार है, उसमें बकायदा हमने टोल फ्री नंबर भी दिए हुए हैं। एक तो एम्बुलेंस का भी टोल फ्री नंबर दिया है और दूसरा भी टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, जिससे जिस भी समय मतलब की ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम तैयार रहते हैं। जब भी हमें ब्लड की आवश्यकता रहती है तो हम यंग ब्लड इंडिया टीम को बुलवाते हैं। आजकल कोरोना के कारण से हमारे पास स्टॉक बिल्कुल नहीं था, तो कल जैसे आह्वान किया यंग ब्लड को, तो इनके अभी लड़के आगे हैं मेरे 20-25-30 के लगभग यूनिट आज डोनेट करके जाएंगे। 3-4 दिन पहले भी इन्होंने 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया था। तो जो आप यहाँ से ब्लड देते हैं, किस तरह से दे रहे हैं, कोई रिप्लेसमेंट है, कितने पैसे लेते हैं आप इनके? यहाँ से जो रिप्लेसमेंट कोई नहीं लेते हम, 1050 रुपया केवल मात्र थैली का खर्चा और जो टेस्टों का खर्चा यही लेते हैं। तो कोई रिप्लेसमेंट ब्लड की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, जितना मर्जी को जिसको जितना चाहिए उतना देंगे। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल यहाँ पे चाहे महीने में 1 यूनिट लगे 2 यूनिट लगे 3 यूनिट लगे बिल्कुल फ्री है, और उनको यही हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टरों की देखरेख में हम उनको ब्लड चढ़ाते हैं। तो थैलेसीमिया पीड़ित बच्चा टोहाना का होना चाहिए, कैसे? कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थैलेसीमिया का बच्चा उसका कार्ड बनाओ, वैसे प्रायोरिटी टोहाना की जैसे आम रूटीन में रहती है, मगर बाहर के भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनको हम दे रहे हैं। आजकल कोरोना वायरस के कारण से तो चाहे हिंदुस्तान के क्या फॉरेन के कहीं से भी कोई बच्चा हो हम उनको देंगे।